आज जहां रानी पोखरी का बहुप्रतीक्षित पुल, जिसका आप सब लोग काफी लंबे समय से बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लोकार्पण का इंतजार कर रहे थे, उसके उद्घाटन के अवसर पर और साथ में लंबरपुर लागा मार्ग जो शीतला नदी के ऊपर जिसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में और लगातार जिनका इन दो विधानसभाओं में सतत काम रहा है बचपन से लेकर अब तक, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, और डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री एजाज अहमद जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई समशेर सिंह कुंडीर जी, भाई करण बोहरा जी, अशोक राज जी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मनवाल जी, विनय कंडवाल जी मंडल अध्यक्ष, संजीव सैनी जी हमारे वरिष्ठ नेता, भगवान सिंह पोखरियाल जी ब्लॉक प्रमुख एवं मंचा सिंह हमारे सभी पदाधिकारी गण, और सामने बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज बड़ा शुभ दिन है कि आज हम जो है ये बहुप्रतीक्षित रानी पोखरी का पुल और लंबरपुर लागा मार्ग शीतला नदी के पुल का दोनों का लोकार्पण एक साथ कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभी सड़कों पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना भी इतना आसान हो गया है, आने वाले समय में और भी जो सड़कों के काम हमारे रुके हुए हैं, चाहे वो गंगोत्री को जाने वाला सड़क, उसमें पिछले दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला रुका होने के कारण से कुछ सड़कों के कार्य में विलंब हुआ है, लेकिन अब हम लोगों ने बहुत पुरजोर पैरवी माननीय न्यायालय में की कि आने वाले यात्रियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए ये सड़क बन जाने से काफी सुविधा हो जाएगी, और माननीय न्यायालय ने हमको सड़क बनाने की परमिशन दे दी है। अब तेजी से इस पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, चार धामों पर आने वाले यात्रियों को अत्यधिक सुविधा, जो पहले असुविधा के रूप में होती थी, अब अत्यधिक सुविधा के रूप में होगी। भाइयों बहनों, आने वाले समय में देहरादून से जो दिल्ली का मार्ग है, उस मार्ग की दूरी जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन उसकी समयावधि घट जाएगी। समय जो अभी हमको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक लगता है, आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून आने में मात्र 2 से 2.5 घंटे का समय लगा करेगा। मैं सभी से कहता हूं कि आने वाले समय में चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो, डोईवाला हो, चाहे हमारा हरिद्वार हो या मसूरी का क्षेत्र हो, आसपास धनोल्टी का क्षेत्र हो, चाहे नरेंद्र नगर तक का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में हो या हरिद्वार का पूरा क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में शनिवार और इतवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ही फ्राइडे पूरा होगा, यानी कि 5 बजे दफ्तर का काम उनका पूरा होगा, 5 बजे दफ्तर का काम पूरा होते ही वो अपने घर पहुंचेंगे, 6 बजे भी घर पहुंचे, 6:30 बजे भी घर पहुंचे, 2.5 घंटे में वो आपके बीच में आ जाएंगे। तो इतनी ज्यादा संख्या होने वाली है आने वाले समय में। हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जैसे पहाड़ों में हमने अभी केबीटी पार्किंग, ये एक नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है, नया काम शुरू किया है, इसी प्रकार से यहां पर हमको पार्किंग की भी बहुत व्यवस्था करनी होगी।
इसी प्रकार से हमको ट्रैफिक प्लान भी बनाना होगा कि आने वाले 2-3 सालों में ही जो दिल्ली से देहरादून का एलिवेटेड रोड है उस रोड का काम पूरा हो जाएगा। उसके पूरा होते ही जो आज हम जितने लोगों के लिए हम अपनी ये सड़कें बनाई हुई है, पार्किंग बनाई हुई है, रुकने की व्यवस्था की हुई है, वो सारी की सारी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यानी कि होटल का कारोबार करने वाले, रेस्टोरेंट का काम करने वाले, या रिजॉर्ट चलाने वाले, या अन्य कोई जो भी हमारे गेस्ट हाउस चलाने वाले, होम स्टे चलाने वाले, उन सभी लोगों को उनके होटल, उनके सारे संस्थान एक दिन भी खाली नहीं रहने वाले हैं। इतनी ज्यादा संख्या हमको आने वाली है। और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनकी कैसी शिववाणी थी कि उनके मुंह से शब्द निकले कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है अभी तक, इस यात्रा में हमारा 38 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है। अभी तक अभी यात्रा चल रही है, रजिस्टर्ड 38 लाख लोग आ चुके हैं और अभी एक माह की यात्रा बची हुई है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। अभी आप सब लोगों के बीच में कांवड़ यात्रा चली थी, कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं और सकुशल गए हैं। तो लगातार हर क्षेत्र में इस प्रकार से काम चल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में हमारा तेजी से विकास हो रहा है। अत्यधिक जो हमारी सुविधाएं हो सकती हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और अभी जहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इन कार्यों का जो कि केंद्र पोषित है, सेंट्रल रोड फंड से जो धनराशि हमको मिली है, उस राशि के इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की हमने समीक्षा की है, बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे रोपवे के प्रस्ताव, बहुत सारे पुलों के प्रस्ताव, बहुत सारी नई सड़कों के प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिए हैं। और भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर लगातार बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े सेतुओं का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी लिफ्ट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान हो रही है। वहीं हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ की सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, सेतुओं का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार योजनाएं बना रहे हैं, लगातार दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनका एक हमारे इस उत्तराखंड की भूमि से एक कर्म और मर्म का रिश्ता है, उसके नाते आप देख रहे होंगे जिन योजनाओं के बारे में दूर दूर तक कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, वो योजनाएं भी साकार रूप से धरातल पर जो है पूरी हो रही हैं। वो उसका उदाहरण है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां के बच्चों ने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से रेल देखी भी नहीं है, उनके बीच में भी रेल पहुंचने वाली है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गरोला जी ने बहुत सारे प्रस्ताव मुझे दिए हैं, मैं इन सभी पर इन सारे प्रस्तावों को आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि सनगांव पुल से कंडोली खर्ग मोटर मार्ग, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, इसको मैं घोषणा में सम्मिलित करता हूं। इसी प्रकार से लच्छी वाला रेंज कार्यालय से दुर्गम विभाग मार्ग की मरम्मत का कार्य है, उस मार्ग को भी पूरा किया जाएगा, उसको मरम्मत का कार्य किया जाएगा। कालू सिद्ध मंदिर, जो कि हमारा बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है, वहां से धनियाड़ी तक वन विभाग मोटर मार्ग, इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही हर्रावाला में राजकीय कन्या हाई स्कूल के लिए 3 कक्ष हुआ, वहां पर शौचालय कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। मैं आप सबका और माननीय विधायक जी का सबका धन्यवाद करता हूं। हम लोगों का संकल्प है कि सारी विकास की योजनाएं सही समय पर पूरी हों, सही समय से उन पर काम हो,
मैं विधायक जो हमारे विभाग के लोग हैं उन विभाग के लोगों से भी हमेशा कहता हूं कि जो काम हमारे तय समय सीमा पर होने चाहिए, इसके साथ साथ कार्यदायी संस्थाओं को उनको भी हम जैसा आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि जब कार्यदायी संस्था के लोग काम करते हैं तो उस समय वह भी उस समय अवधि में जिस समय काम चलता है वह भी सरकार के सरकारी हो जाते हैं, इसलिए उनको सहयोग करना, उनसे सहयोग लेना और जो काम है वो तय समय सीमा पर हो, उसके लिए बीच बीच में हम लोगों ने कुछ डायरेक्शन भी जारी किए हैं और कुछ राज्य के उन्नति के लिए राज्य का जो हमारा बजट है, जो आर्थिक संसाधन है, वो जितने हमने तय किए हैं उन संसाधनों पर ही हमारा काम हो, इसलिए काम भी तय समय सीमा पर और गुणवत्तापूर्वक होने चाहिए, यह भी हमारा अनुरोध रहता है। तो मैं आपके अवसर पर सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।